नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ कैप्टन नितिश अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। आज ये जो वीडियो है, मैं वो एक इंसिडेंट, मैं एक हादसे के बारे में आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। 6 मई 2021, जब रात के टाइम पे आप सब लोग अपने घरों में थे, तो एक चार्टर एयरक्राफ्ट एयर एम्बुलेंस की फ़्लाइट ऑपरेट कर रहा था नागपुर टू मुंबई, जिसमें एक बीच क्राफ्ट C-90 एयरक्राफ्ट जो नागपुर टू मुंबई आ रहा था, उसको एक बहुत ही भयानक इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। उसी फ्लाइट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो के ज़रिए में। तो ये फ़्लाइट विक्टर टैंगो जूलियट इंडिया लीमा एक C-90 चार्टर फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी, एयर एम्बुलेंस, जिसमें एक मेडिकल पेशेंट ऑन बोर्ड थे विद डॉक्टर ऑन बोर्ड थे। तो इनको, जैसे इन्होंने नागपुर से टेक ऑफ किया, तो तकरीबन 14-15 मिनट के बाद इनको एक नागपुर ATC वालों ने इन्फॉर्म किया कि आपके एयरक्राफ्ट से कुछ नीचे गिरा है, ये किसी CISF के बंदे ने देखा और आपके ऑपरेशंस नॉर्मल हैं। तो उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को चेक किया, सारे सिस्टम्स चेक किए और एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। उन्होंने बोला हाँ जी सर, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, दे प्रोसीडेड द फ्लाइट टू मुंबई। इन द मेन टाइम नागपुर एयरपोर्ट वालों ने इंस्पेक्शन किया रनवे का, तो उनको एक व्हील मिला, प्लेन का पहिया एक गिरा हुआ मिला। तो ये CISF की, देखिए आप होशियारी देखिए उस CISF पर्सनल की, कि उसने वहाँ से कुछ देखा और फटाफट रिपोर्ट किया और वो सीधी बात पायलट तक पहुँची। तो पायलट ने फिर बाद में उनको बोला कि आप हमारी कंपनी के इंजीनियर से कंफर्म करें कि वेदर ये जो आपको पहिया मिला है, ये हमारे एयरक्राफ्ट का ही है या हमसे पहले या कोई और एयरक्राफ्ट का भी हो सकता है। वो ऑब्वियसली ATC वालों ने कंफर्म किया कंपनी के इंजीनियर से, तो उन्होंने वेरीफाई किया कि ये उन्हीं के एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर है। बट स्टिल अभी तक ये श्योर नहीं था पायलट्स को कि वो पहिया उनके एयरक्राफ्ट का है। अगर है तो कौन सा वाला पहिया निकला है, नोज गियर निकला है या लैंडिंग गियर में से लेफ्ट वाला या राइट वाला, कौन सा निकला है, दे वर नॉट श्योर अबाउट दिस ऑन रूट। आप सोचिए उस टाइम पे जब आपको एक चीज़ पता चले कि आप एयरक्राफ्ट में हैं, आप फ्लाई कर रहे हैं, तो उन पायलट्स की मेंटल स्टेट क्या होगी उस टाइम पे, कि उनको पता चलता है कि उनके एयरक्राफ्ट का एक व्हील नहीं है और वो मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पे आ रहे हैं लैंड करने के लिए। तो वो टाइम उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा और उनको क्या क्या उनको सोचना पड़ रहा होगा, बहुत सारे ख्याल आते हैं और मोस्टली लोग फ्रीज हो जाते हैं इस टाइम पे। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट कि उस टाइम पे आपको फ्रीज नहीं होना और आपको एक्शन लेना है या आपको सोचना है आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपको चेकलिस्ट देखनी है, सब पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी आपको कि आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे ही वो मुंबई के पास आए, तो सबसे पहली चीज़ फ्यूल उनको बर्न करना था। तो उन्होंने पहले लो पास किया मुंबई रनवे के ऊपर, ताकि ATC वाले देख सके, कंफर्म कर सके कि वो उनके प्लेन का एक व्हील गायब है। तो जैसे ही उन्होंने लो पास किया, तो ATC ने कंफर्म किया कि आपके प्लेन का लेफ्ट व्हील इज़ गॉन। तो उन्होंने फिर ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा होल्ड किया ताकि वो फ्यूल बर्न कर सकें, एंड फ्यूल बर्न करने के बाद वो पायलट ने अपनी सूझबूझ के साथ उस प्लेन को बेली लैंड करने का निर्णय लिया। बेली लैंडिंग क्या होती है, कि आपके प्लेन के पहिए अंदर रहते हैं और आप प्लेन के फ्यूजलाज के ऊपर लैंड करते हैं। तो प्लेन का फ्यूजलाज इज़ क्वाइट हैवी, उसमें बहुत शक्ति होती है उसको इम्पैक्ट को झेलने की। तो उन्होंने पायलट की सूझबूझ की वजह से वो प्लेन को बेली लैंड करवाया एंड everyone came out to be safe. All hats off to you, कैप्टन केशरी सिंह जो उस फ्लाइट के कमांडर थे, तो उनकी सूझबूझ और उनके इमेंस एक्सपीरियंस की वजह से किसी भी बंदे को एक खरोच तक नहीं आई उस फ्लाइट में। वो प्लेन के लैंड करने से पहले इमरजेंसी घोषित करी गई और जिसकी वजह से उस प्लेन को रनवे पे उतारना आसान रहा। प्लेन को लैंड करवाने से पहले इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और लैंडिंग से पहले रिक्वेस्ट किया गया एयरपोर्ट को कि आप रनवे के ऊपर फोम की एक लेयर बिछा दें ताकि उससे आग ना निकल पाए, अगर बाय चांस कहीं फ्लेम्स उठती हैं तो वो वहीं पे दब जाए।
तो प्लेन रनवे का काफ़ी सारा हिस्सा फोम से पहले स्प्रेड कर दिया गया था, फोम बिछा दी गई थी जिसके ऊपर प्लेन लैंड किया, और जिस वजह से सारे सेफ हैं और एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। और ये अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें ये हम सबके लिए एक सबक हैं या एक सबके लिए एक लेसन है कि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसमें हमें घबराना नहीं है, बल्कि सोचना है कि इस सिचुएशन से निजात पाने के लिए या इस सिचुएशन में बेस्ट हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम एक एक्सपीरियंस्ड पायलट के थ्रू ही पता कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई, उनका जो एक्सपीरियंस था इतने सालों का वो उन्होंने सब झोंक दिया और सब पैसेंजर्स को सेफली लैंड करवाया विदाउट एनी डैमेज। दैट वॉज द मेन थिंग। अब दूसरी जगह बात आती है कि ये चीज़ हुई कैसे। प्लेन का व्हील गिरना एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हादसा है, एक बहुत ही डरा देने वाली चीज़ है कि प्लेन टेक ऑफ किया और उसका व्हील कैसे निकल गया। आप ये सोचिए कि अगर ये व्हील टेक ऑफ के टाइम पे या लैंडिंग के टाइम पे निकलता तो ये और ज़्यादा भयानक हादसा हो सकता था, कि जब प्लेन बहुत ज़्यादा स्पीड में है और मेरे को नहीं पता कि एक एक पहिया मेरा एकदम से निकल गया, तो आप सोचिए कि वो जहाज़ को उल्टा भी कर सकता था, या उस टाइम पे फ्यूल होता जहाज़ में तो आग भी लग सकती थी, एयरक्राफ्ट पलट सकता था। तो लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, DGCA इसकी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वो व्हील कैसे निकला, कि उसमें कुछ व्हील में प्रॉब्लम थी या असेंबली में प्रॉब्लम थी या मेंटेनेंस के टाइम पे वो व्हील अच्छे से लग नहीं पाया था। पायलट्स ने अपना काम किया तो क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या मेंटेनेंस ने अपना काम पूरा किया, या किसी ने कोई गलती छोड़ी, पुराने इंस्पेक्शंस होंगे तो उसके बाद जाके पता चल पाएगा कि ये चीज़ हुई तो कैसे हुई, या मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई फॉल्ट था कि प्लेन की व्हील की असेंबली में कोई फॉल्ट था या कुछ और ऐसी कोई घटना। सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो देखी जाएंगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा एग्जैक्ट कॉज। तो अभी फ़िलहाल के लिए एवरीवन इज़ सेफ एंड हैट्स ऑफ टू कैप्टन केसरी सिंह जिन्होंने इस प्लेन को लैंड किया, जो इस प्लेन के कमांडर थे, एंड सल्यूट टू यू सर कि आपके इमेंस एक्सपीरियंस से हम लोगों को इतना कुछ सीखने को मिला है। एंड आई हैव पर्सनली फ्लोन विद हिम, तो इनफैक्ट मैंने उनको मैसेज भी किया, ही सेड आई एम वेरी मच फाइन एंड थैंक यू सो मच सर। बस इस हादसे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आई एम श्योर कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए हमें सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना चाहिए, और कभी भी आपको कुछ भी डाउट आए तो उस चीज़ को ध्यान से देखिए, उस चीज़ को ध्यान से परखिए एंड हैव अ सेफ लैंडिंग। थैंक यू सो मच।